तो जो एग्जाम में पेपर आएगा भाई इस बार कितने मार्क्स का आ गया बताओ? 56। कितनी देर में सोल्व करना है उसको? पौने तीन घंटे में। सेक्शन आएंगे अलग अलग, सेक्शन कैसे आ रहा है भाई? सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन आएंगे 21, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 21। सेक्शन ए डिवाइड होगा बेटा तीन हिस्सों में, पहले तो मिलेगा अपने को MCQs, 9 MCQs मिलेंगे 9 मार्क्स के, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे 4 मार्क्स के, फिर 8 मिलेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन कितने बताओ? 12। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1.5 मार्क्स का, तो टोटल कितने हो गए? 18 मार्क्स, समझ गए। फिर आओ सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन सी और सेक्शन डी में खास बात यह है कि इसमें मिलेगी दोनों के अंदर आपको चॉइस। सी के अंदर तीन क्वेश्चन मिलेंगे, तीन मार्क्स के होंगे, टोटल कितने मार्क्स हो गए भाई अपने पास? 9 मार्क्स। और सेक्शन डी में टोटल क्वेश्चन कितने हैं भाई? सेक्शन डी में टोटल क्वेश्चन आएंगे दो, कितने मार्क्स के हैं? 4 मार्क्स के। टोटल नंबर कितने हैं? 8। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स कितने हो गए? 56। सारे कर देना, कितने आ जाएंगे तुम्हारे? 56। सेक्शन ए में तीन हिस्से हैं, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वेरी शॉर्ट। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं अपने को, कैसे करने हैं? शॉर्ट, क्योंकि सेक्शन बी कितने मार्क्स का है? 1.5 मार्क्स का। ये पैटर्न फिजिक्स का है, यही बायो का होगा, यही किसका होगा? केमिस्ट्री का होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उन सब में मार्क्स कितने हैं टोटल? 56 मार्क्स हैं। समझ गए कि नहीं समझे? 56 मार्क्स लेके आने हैं वहाँ से। 2021-2022 आ गई बात समझ में? झंडे गाड़ देना इस बार। नो, जय हिंद। पर तुम देख लेना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बने रहें हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे, हमारा नाम है, ठीक है। अब अगली वीडियो बनाएंगे हम लोग किस पर, कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आने वाला है, ठीक है।